हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पोर्टल फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम एग्जाम होता है उसमें दो पेपर आएंगे आपको, एक जीएस का पेपर रहेगा और एक रहेगा सी सेट का, इस ठीक है ना। तो सी सेट के पेपर में एक हमारा टॉपिक होता है लॉजिकल वेन डायग्राम्स। तो लॉजिकल वेन डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट है सी सेट के प्रोस्पेक्टिव से। इसके अलावा जो हमारे स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीसीएस का पेपर, एससीएस का, एएस का पेपर जो होता है, उसमें भी लॉजिकल वेन डायग्राम्स आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो बैंकिंग को छोड़ के, जैसे एसएससी का अगर आप एग्जाम देते हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको लॉजिकल वेन डायग्राम्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। टू टाइप्स की डायग्राम्स बनेगी हमारे पास और दोनों के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मतलब दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे और दोनों के ऊपर ही हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेन डायग्राम्स एक्चुअल में होती क्या है और इनका यूज क्यों किया जाता है, ये समझ लेते हैं, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। चलिए देखो, अगर मान लो आपको कहीं एग्जाम में इस तरीके से मिल जाए, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से मान लो अगर कोई डायग्राम बनाई गई हो, तो इस डायग्राम को बोला जाता है वेन डायग्राम, ठीक है जी, वेन डायग्राम। समझ पा रहे हो बात को? एक्चुअली होता क्या है कि एक ही चीज में करना क्या होता है हमने, कि जब भी हमें तीन या चार चीजों को एक ही ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, उसके लिए हम वेन डायग्राम का यूज कर देते हैं। जैसे कि ये जो सर्कल है जी, किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ट्राइंगल अलग चीज को रिप्रेजेंट करेगी, और जो हमारा स्क्वायर होगा वो डिफरेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो हम ये पढ़ेंगे कि इनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी। अब देखो, जो हमारी वेन डायग्राम होती है ना, वो लॉजिकल रीजनिंग में भी आती है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी रहेगी, यानी कि मैथ वाले सेक्शन में भी रहेगा। मैथ वाले सेक्शन में हो सकता है परसेंटेज में आ जाए, ठीक है, जो हमारा परसेंटेज का लेक्चर है उसमें मैंने सारा डिस्कस करवाया हुआ है कि वेन डायग्राम कैसी होती है। मैं आपको करवाऊंगा एक तो रीजनिंग वाली और एक मिसलिनियस सी वेन डायग्राम एग्जाम में आ जाती है, जिसके नीचे कई बार दो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले एक सिंपल वेन डायग्राम से शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से देखा जाता है इसको, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके से अगर डायग्राम आ जाए, इस तरीके से, ठीक है, ये होती है एक लॉजिकल वेन डायग्राम। अब इसके ऊपर कुछ आ सकता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इस तरीके से कुछ ए बी सी डी लिखा होता है, कई बार नंबरिंग लिख देता है 8, 9, 10, 12 इस तरीके से, ठीक है जी। तो आपको नेक्स्ट क्या बोलेगा, क्वेश्चन किस टाइप से आता है पूरा वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आपको बोलेगा कि इन अ वेन डायग्राम ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स टीचर्स, ठीक, एंड स्क्वायर सर्कल रिप्रेजेंट कुछ भी लगा लो, बिजनेसमैन लगा लो, ठीक है, बिजनेसमैन इस तरीके। ये आपको मतलब एक डायरेक्शंस गिवन होंगी कि भाई जो वेन डायग्राम है जिसमें ट्रायंगल है वो स्पोर्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट कर रही है टीचर्स को, और जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को, ठीक है, रिप्रेजेंट बिजनेसमैन, ठीक है। अब देखो जी, आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, फाइंड फाइंड हु आर बिजनेसमैन एंड टीचर
बट नॉट, ठीक है, बट नॉट स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ये होता है वेन डायग्राम के क्वेश्चन। अब इसका अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन मिलेगा, एक डायग्राम के नीचे आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा और ये रीजनिंग वाला है, ठीक है ना। तो करना कैसे, हमने इस वेन डायग्राम को देख के मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो चलो चेक करते हैं। आपसे बोला गया है कि बताओ कौन है बिजनेसमैन और टीचर, बताओ ऐसे कौन से लोग हैं जो बिजनेसमैन भी है और टीचर भी है बट नॉट स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होने चाहिए। अब स्पोर्ट्स पर्सन का मीनिंग क्या है, कौन है स्पोर्ट पर्सन यहाँ पे, ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के जितने अंदर जितने भी लोग हैं वो कोई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। बट नॉट स्पोर्ट पर्सन का मीनिंग क्या है कि मुझे ट्राइंगल के अंदर वाला कोई भी बंदा नहीं चाहिए। तो ट्राइंगल के अंदर देखो कौन कौन है, एफ जी ई डी, इनमें से कोई नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि जो बिजनेसमैन हो और टीचर हो, बिजनेसमैन और टीचर। बिजनेसमैन का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लिखा होगा बिजनेसमैन क्या, सर्कल, और सर्कल के अंदर क्या आ सकता है, या ए या फिर सी, क्योंकि जी ओ डी नहीं चाहिए, ट्राइंगल के अंदर वाला नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, तो ए और सी होगा। और अगर हम बात करें टीचर की तो टीचर कौन से होंगे हमारे पास, जो किसको शो कर रहे हैं, ये रहा रेक्टेंगल को, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है, सी है या फिर बी है, ठीक है ना। तो ये जो सी है, ये जो सी वाली वैल्यू है हमारे पास, ये टीचर भी है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, बिजनेसमैन भी है। तो हमें क्या चाहिए, बिजनेसमैन और टीचर दोनों, और वो कौन से हमारे पास जी, सी। समझ पा रहे जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी। लग गया पता, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास सी। हाँ जी, क्लियर है ना। और देखो किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकता है इसी वेन डायग्राम को, मतलब अगर उसने इसी वेन डायग्राम के बारे में बताना है तो और क्या क्या पूछ लेगा आपसे। जैसे जैसे एबीसीडी लिखा है ना, इसकी जगह पे नंबरिंग आ सकती है ऐसे करके, 20, 10, 12, 9, 15, 18, 11, ऐसे कुछ लिखा हो सकता है, ठीक है, जिन नंबर ऑफ पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको टीचर यही रखता हूँ जो पहले था, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, फाइंड हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु हैव ओनली वन प्रोफेशन, ठीक है जी। कि बताओ कितने हमारे पास पर्सन है यहां पे जो सिर्फ सिर्फ एक प्रोफेशन के बंदे हैं, ठीक है ना, जहां तो मतलब टीचर है वो, या फिर स्पोर्ट पर्सन है, या फिर बिजनेसमैन। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो करना किस प्रकार से, इस क्वेश्चन को देखो, उसने बोला है कि सिर्फ एक प्रोफेशन होना चाहिए। जैसे देखो अगर मैं इस 10 को चूज करता हूं तो ये 10 क्या है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, मतलब ये जो 10 पर्सन है ये दो प्रोफेशन के हैं। समझ पा रहे हो ना, आपको बोला गया है कि जो सिर्फ वन प्रोफेशन, सिर्फ एक प्रोफेशन के होने चाहिए। एक प्रोफेशन का मीनिंग क्या है कि जहां तो अकेला ट्राइंगल के अंदर, या फिर अकेला सर्कल के अंदर, या फिर अकेला स्क्वायर के अंदर, या फिर रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है ना। तो देखो ओनली वाला केस अगर वो आपके पास आ जाए कि सिर्फ एक प्रोफेशन चाहिए, तो देखो एक तो बनेगा ये वाला केस, ठीक है, 20। ये जो 20 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सर्कल वाले हैं, यानी कि बिजनेसमैन। समझ पा रहे हो, ऐसे देखो एक ये आ सकता है 11। ये जो हमारे पास 11 है, ये कौन है, रेक्टेंगल वाले हैं, जो कि हमेशा क्या रहेंगे, हमेशा सिर्फ टीचर रहेंगे, ठीक है, ओनली टीचर। और तीसरे नंबर पे ये वाला भी आएगा हमारे पास, ठीक है, 12, क्योंकि ये सिर्फ ट्राइंगल के अंदर है, और ट्राइंगल वाले क्या है हमारे पास, स्पोर्ट पर्सन है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो देखो जी, आपसे पूछा गया वन प्रोफेशन, तो ये 20 आएगा, प्लस ये 12 आ जाएगा, प्लस ये 11 आ जाएगा। समझ पा रहे हो जी बात को, तो कितना बनेगा आंसर हमारे पास, 20 + 12 + 11, इनको जब आप ऐड करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 43 के अराउंड आंसर आएगा अभी इसका, तो 43 हमारा आंसर है, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको आ सकता है क्वेश्चन, आपसे ये पूछ लेगा कि बताओ कितने हमारे पास पर्सन है यहाँ पे जिन जो तीनों प्रोफेशन को शो करते हैं, ठीक है ना, जो तीनों प्रोफेशन क्या है, जो बिजनेसमैन भी है, स्पोर्ट पर्सन भी, और टीचर भी है, ठीक है जी। तो वो क्या आएगा आंसर, जो तीनों में आ रहा हो, मतलब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए
जो ट्राइंगल के अंदर भी आए, स्क्वायर के अंदर भी आए और सर्कल के अंदर भी आए, तो वो कौन सी आएगी मेरे पास, ये 15 है ना। इस 15 के अलावा और कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ये 15 देखो सर्कल के अंदर भी है, रेक्टेंगल के अंदर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो अगर मान लो अगर ऑल थ्री प्रोफेशन की बात करें तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, ये 15, ठीक है। तो देखिए मेरे पास प्रीवियस ईयर का पेपर ही है यहाँ पे, तो उसी को देख के मैं आपको क्वेश्चन निकलवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 2017 का क्वेश्चन है, 2017 में आपको इस तरीके से आया था, बस मैंने टीचर वगैरह ये अलग लिखे हैं, ये बिल्कुल सेम था, क्लियर है, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट टाइप जिसमें आपने लॉजिकल रीजनिंग का वेन डायग्राम देखा है कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में अब हम देखेंगे कि जो दूसरी टाइप है और किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, ये मालूम है आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मालूम आपको ये कहता हूं कि इन आ क्लास के क्लास है उसमें क्या होता है 50 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। 50 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल दूंगा कि 40 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ, ठीक है इस तरीके से। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि फाइंड टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने रहेंगे ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि टोटल स्टूडेंट्स कितने रहेंगे ये हमने फाइंड करना है यहां पे। अब एक चीज देखो जी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है या नहीं है, ये चीज हमने देखना है, ठीक है। अब देखो एक की पॉइंट याद रखना हमेशा, अगर किसी क्वेश्चन में बोथ वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के पैराग्राफ में बोथ का यूज हुआ है या फिर फाइंड के बाद लिखा हुआ है फाइंड बोथ, तो बोथ वर्ड यहां पर यूज होगा, वहां पर हमेशा वेन डायग्राम का यूज होता है, ठीक है ना। क्योंकि वेन डायग्राम का यूज ही किसके लिए किया जाता है, दो चीजों का में सिमिलैरिटी निकालने के लिए, कॉमन चीज निकालने के लिए, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए। तो करना कैसे, देखो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर दो का हमारे पास केस आता है तो दो के लिए वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगी, देखना जरा, इस तरीके से बनाएंगे हम, ऐसे दो सर्कल बना देंगे, ठीक है जी, दिख रहे हैं सभी को, दो सर्कल बना देंगे, एक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा क्रिकेट को और एक रिप्रेजेंट करेगा फुटबॉल को, ऐसे, ठीक है, एक सर्कल रिप्रेजेंट करेगा क्रिकेट को और एक फुटबॉल को। अब आपको क्या बोला गया है कि 50 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, मतलब ये जो पूरा सर्कल है पहले वाला जो क्रिकेट वाला है, ये फुटबॉल वाला मान लो, तो जो क्रिकेट वाला सर्कल है पूरा का पूरा, इस पूरे सर्कल की वैल्यू हमें कितने की बना, 50, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू क्या की बना हमें, 50 की बना, समझ पा रहे हो जी। ऐसे देखो ये जो दूसरा सर्कल है हमारे पास सारा का सारा, ये इसकी वैल्यू क्या गिवन है आपको, 40 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो 40, ठीक है। अब मैंने इसको अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं अंदर लिख लूंगा तो ये इस वाले पोर्शन का हिस्सा आ जाएगा ना, ओनली फुटबॉल का, और ये ओनली क्रिकेट का आ जाएगा, वो नहीं करना हमने, ठीक है ना। अब देखो आपको बोला गया है कि 10 स्टूडेंट्स प्लेड बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है, तो कॉमन वाला पोर्शन तो यही है। हाँ जी देखो, ये वाला हिस्सा देखो क्रिकेट में भी आ रहा है और ये वाला हिस्सा फुटबॉल में भी आ रहा है, क्लियर है ना आप सभी को, ठीक है। अब देखो जी, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50, और इस पूरे सर्कल में देखो 50 में से 10 तो यही हो गया कॉमन वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कितना बचेगा मेरे पास, 40, ये वाला पोर्शन कितना आएगा हमारे पास जी, 40 आ जाएगा। ऐसे देखो ये पूरा सर्कल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 है, और इस 40 में से 10 क्या है हमारे पास जी, कॉमन पोर्शन, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास जी, 30। समझ आ गया सभी को,
ठीक है। अब देखो, अगर आपसे पूछा गया है कि बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, 40 + 10 + 30, मतलब 40 स्टूडेंट खेलते हैं सिर्फ क्रिकेट, 30 स्टूडेंट खेलते हैं ओनली फुटबॉल, और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने आ जाएंगे, 40 + 10 + 30, आंसर आएगा मेरे पास 80 स्टूडेंट्स। समझ आ गया सभी को ये? हाँ जी, क्लियर है ना। अब देखो, वेन डायग्राम को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला देख लो क्या होता है, सिंगल माइनस डबल प्लस ट्रिपल इज इक्वल टू टोटल, ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, कि जब भी आपको वेन डायग्राम में टोटल स्टूडेंट पूछे गए या टोटल वैल्यू पूछी गई हो, तो वो कैसे निकालेंगे हम, सिंगल वैल्यूज माइनस डबल वैल्यूज प्लस ट्रिपल वैल्यूज इज इक्वल टू टोटल वैल्यूज, ठीक है। तो कैसे करना, देखो सिंगल वैल्यूज क्या है हमारे पास, 50 और 40, ठीक है, 50 प्ले क्रिकेट 40 प्ले फुटबॉल, तो 50 और 40, तो सिंगल वैल्यूज में आ जाएगा 50 + 40, ठीक है, माइनस डबल, डबल की बात करें, डबल मतलब जो दो लोग खेल रहे हो, जैसे देखो 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो 10 स्टूडेंट बोथ खेल रहे हैं, यानी कि डबल वैल्यू है, यानी कि -10, और ये किसके बराबर होगा, टोटल, क्लियर है। क्योंकि देखो मैंने यहाँ की ट्रिपल वैल्यू क्या लिखूंगा, ट्रिपल तो कुछ है ही नहीं, दो ही प्लेयर है, ट्रिपल में जीरो आएगा, तो जीरो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, तो कितना आ जाएगा, 50 + 40 = 90, और 90 - 10 कितना होगा, 80, और 80 इस क्वेश्चन का क्या है जी, आंसर है, समझ पा रहे हो ना, 80 ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्लियर है सभी को। तो आपने क्या करना है, जहां भी बोथ वर्ड का यूज होगा वहां पे हम वेन डायग्राम का यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रखा है, ठीक है, यूपीएससी के, एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए ये रहा क्वेश्चन, ये जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से लेंथी होते हैं पढ़ने में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल होंगे, क्योंकि उन्होंने वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, तो इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो चलो पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन इस तरीके से था कि आउट ऑफ 200 कैंडिडेट्स हु वर इंटरव्यू फॉर अ पोजिशन एट अ कॉल सेंटर, के कॉल सेंटर में पोजिशन के लिए 200 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया, आगे क्या बोला गया है, 100 हैड अ टू व्हीलर, उनमें से जो 16 उनके पास टू व्हीलर है, 70 हैड अ क्रेडिट कार्ड, 70 के पास क्रेडिट कार्ड है, एंड 140 हैड अ मोबाइल फोन, कि उनमें से 140 उनके पास मोबाइल फोन है। नेक्स्ट आपको क्या बोल दिया उसने, 40 ऑफ देम हैड बोथ टू व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड, कि जो 40 है उनके पास क्रेडिट कार्ड भी है और टू व्हीलर भी है, ठीक है, आप देखो बोथ वर्ड यूज हुआ था वेन डायग्राम में, ठीक है। ऐसे उसने क्या बोल दिया, 30 हैड बोथ क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन, एंड 60 हैड बोथ टू व्हीलर एंड मोबाइल फोन, तो आपसे क्या पूछा गया है, सॉरी एक और इन्फॉर्मेशन है कि 10 हैड ऑल ऑफ थ्री, कि 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं, आपसे पूछा गया हाउ मेनी कैंडिडेट हैड नन ऑफ द थ्री। देखो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को प्रॉपर, टोटल है 200, उसके बाद जिनके पास टू व्हीलर है वो है जी टोटल 100, क्रेडिट कार्ड वाले हैं 70, मोबाइल वाले हैं 140, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोल दिया है कि भाई 40 लोग हैं जिनके पास टू व्हीलर और क्रेडिट कार्ड है, मतलब टू व्हीलर प्लस क्रेडिट कार्ड 40 है, 30 हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन है, क्रेडिट कार्ड प्लस मोबाइल 30। नेक्स्ट उसने कह दिया है कि 60 लोग ऐसे हैं इनके पास टू व्हीलर और मोबाइल है, टू व्हीलर एंड मोबाइल ये 60, और जिनके पास ये तीनों चीजें हैं, थ्री लिख दिया मैंने, ऑल थ्री, टू व्हीलर क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन, वो है टोटल मेरे पास 10, ठीक है। आपसे बोला गया है कि बताओ कितने ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, जिनके पास मतलब कुछ भी नहीं है, ये बताओ कितने, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, सिंगल माइनस डबल प्लस ट्रिपल इज इक्वल टू टोटल। मैं पहले आपको फॉर्मूले से करवाऊंगा, फिर आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, काफी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है ना, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या आएगा, सिंगल माइनस डबल प्लस ट्रिपल इज इक्वल टू टोटल, तो सिंगल वैल्यूज ये रही,
ए वाली, ठीक है। तो सिंगल क्या है, 100 प्लस 70 प्लस 140, ऐड कर लो इकट्ठा इसको, ये बन जाएगा 240 प्लस 70, 310। तो 310 सिंगल वैल्यूज, माइनस डबल की बात करें तो ये डबल वैल्यूज हैं, तो 60 प्लस 40 100 प्लस 30 130 प्लस ट्रिपल कितनी है 10, ये ट्रिपल वैल्यू है, ठीक है। अब ये किसके बराबर होनी चाहिए, टोटल के बराबर। तो टोटल ये जो 200 है ये वो है जो इंटरव्यू देने के लिए है, ठीक है ना। तो हम कौन सा टोटल निकालेंगे कि जिनके पास कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो कितना आएगा आंसर इसका, देखो अब ऐड करोगे तो 310 प्लस 10 कितना होता है 320, माइनस 130 करोगे तो आंसर आएगा इसका 190, ठीक है। मतलब 190 कैंडिडेट हमारे पास टोटल ऐसे हैं जिनके पास टू व्हीलर, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, इनमें से कुछ एक या दो या तीन चीजें हैं, ठीक है ना। अब देखो टोटल 200 कैंडिडेट थे जिनके, जिनमें से 190 के पास कुछ ना कुछ था, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 200 माइनस 190, ये जो 10% है, ये 10 कैंडिडेट जो है ये वो वाले कैंडिडेट होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है ना। 190 कैंडिडेट वो है जिनके पास ज्यादा तो टू व्हीलर है, क्रेडिट कार्ड है, मोबाइल है, या सब कुछ है, ये वो है, ठीक है। और 200 ऐसे हैं जो अपेयर हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो बचे हुए 10 कौन से होंगे जिनके पास कुछ भी नहीं होगा, और ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब चलिए वेन डायग्राम बनाते हैं इसी की, ताकि आपको और क्लियर हो कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब तीन हमारे पास वैल्यूज हैं, तो तीन का ही वेन डायग्राम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो चलो फटाफट वेन डायग्राम बनाते हैं। तीन का वेन डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक है, ओलंपिक के साइन जैसा होता है, बस पांच नहीं है इस बार, तीन है, ठीक है। तो एक सर्कल जो है, तीनों सर्कल अलग अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक सर्कल मान लो टू व्हीलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एक सर्कल मान लो क्रेडिट कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक मोबाइल को, इस तरीके से, ठीक है। अब जो जो क्वेश्चन में मेंशन है ना, बस लिखते जाओ। सबसे पहले देखो टू व्हीलर 100, तो टू व्हीलर 100 अंदर मत लिखना, अंदर लिखोगे तो ओनली हो जाएगा, ओनली नहीं गिवन आपको, ठीक है। 70 गिवन है आपको क्रेडिट कार्ड, 70 आपको गिवन है क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि मोबाइल फोन कितने है, 140 मोबाइल फोन है, 140, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको क्या क्या गिवन है कि भाई टू व्हीलर और क्रेडिट कार्ड कितने है, 40। ऐसे लोग जिनके पास टू व्हीलर भी और क्रेडिट कार्ड भी है वो 40 है, तो टू व्हीलर और क्रेडिट कार्ड वाला ये वाला पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40, समझ पा रहे हो बात को। ऐसे देखो क्रेडिट कार्ड और मोबाइल की बात करें, ये वाली वैल्यूज यानी कि ये, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30। और ये वाली जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसका इसका हमारे पास 60, टू व्हीलर एंड मोबाइल 60, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया कि जिनके पास तीनों है, जिनके पास टू व्हीलर भी है, क्रेडिट कार्ड भी है और मोबाइल फोन भी है, वो कितने हैं टोटल, 10। तो 10 देखो तीन वैल्यूज कहाँ आ रही है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसमें देखो टू व्हीलर भी आ रहा है सर्कल, क्रेडिट कार्ड का सर्कल भी आ रहा है, और मोबाइल का भी सर्कल आ रहा है, तो ये कितने हो गए टोटल हमारे पास, 10, ठीक है जी। अब यहां से देखो हर एक वैल्यू अंदर वाली भी कैसे निकलेगी, देखो ये जो ये वाला हिस्सा है, ये टोटल कितना है हमारे पास, 60 है, ठीक है। तो इस 60 में से अगर ये वाला 10 कम कर दिया जाए तो बचेगा कितने मेरे पास, 50, ठीक है। तो 50 ये वाला हिस्सा हो जाएगा, क्लियर हुआ। ऐसे ही देखो अगर ये पूरा का पूरा जो है, ये वाला पोर्शन टू व्हीलर और क्रेडिट कार्ड वाला पूरा का पूरा अगर 40 है, तो 40 में से 10 ही आएगा, बचा कितना हमारे पास, 30, समझ आ गया। ऐसे देखो अगर ये पूरा ये वाला हिस्सा मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड वाला कॉमन पोर्शन अगर ये 30 है, तो 30 में से 10 ही हो गया, तो बचा कितना, 20, समझ आ गया ना। ऐसे ही देखो अगर मैं एक पूरे सर्कल की बात करूं, तो इस पूरे सर्कल की वैल्यू 70 है, और 70 में से 30, 10 और 20 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 30, 10 और 20 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कितना हो गया, 60। तो 60 यहाँ पे है, 70 टोटल है, तो ये क्या होगा, 10, समझ आ गया ना। ऐसे यहाँ पे देखो टोटल 140 है, और कितना लिखा हुआ आपने, 80 लिखा हुआ है, तो बचा कितना, 60 लिखा बचा। और यहाँ पे अगर देखा जाए इस सर्कल में, तो आपने कितना लिख लिया, 90, टोटल कितना, 100, तो ये कितना बचेगा, 10,
समझ आ गया ना, तो मैंने बीच वाली वैल्यू सारे निकाल ली। एक बार मैं आपको ये सिखा देता हूँ, अगर आपको समझ आ गया है कि बीच वाली वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो इसके नीचे हम सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज मैं अब मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वेन डायग्राम आ चुकी है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमारे पास, पहला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी कैंडिडेट्स who have only one article, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनके पास सिर्फ एक आर्टिकल है, ठीक है जी। सिर्फ एक मतलब या तो टू व्हीलर होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा या फिर मोबाइल, तीनों में से कोई एक, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखो, ओनली टू व्हीलर वाले 10 हैं, ओनली मोबाइल वाले 60 हैं, ओनली क्रेडिट कार्ड वाले 10 हैं। तो टोटल आंसर कितना आएगा, 60 प्लस 10 प्लस 10 कितना आएगा आंसर इसका, 80। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। आपको और क्या आ सकता है देखो, ठीक है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव ओनली टू आर्टिकल्स, जिनके पास सिर्फ टू आर्टिकल्स हों, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे 30, 50 एंड 20, जब तीन वाला छोड़ दो एक वाला छोड़ दो तो दो वाला पिक कर लेंगे, ठीक है। 50 प्लस 30 प्लस 20 तो कितना आएगा, 50 प्लस 30 प्लस 20 आंसर आ जाएगा हमारे पास 100। लग गया पता जी। इसके अलावा आपको और भी पूछ लेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोबाइल यूजर्स, ओनली मोबाइल यूजर्स एंड टू व्हीलर ओनर्स, है ना, ओनली टू व्हीलर ओनर्स, ऐसे डिफरेंस पूछ लेगा, मतलब इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन वो बना देता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो टोटल के अलावा कुछ और पूछा गया हो तो वो तो भाई वेन डायग्राम से ही निकलेगा, समझ पा रहे हो ना। अदरवाइज वो फॉर्मूला याद रखना, सिंगल माइनस डबल प्लस ट्रिपल, अगर टोटल पूछा हुआ है तो वो तो हम इजीली निकाल लेते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो ये था हमारा वेन डायग्राम, जिसमें हमने पहले रीजनिंग वाली सीखी, इजी वाली, और ये थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। और देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो चांसेस काफी हैं कि दो क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होगी, मतलब केस स्टडीज टाइप आ जाएगा कि एक केस स्टडी करो उसके नीचे दो क्वेश्चन, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखी है लॉजिकल वेन डायग्राम्स। तो इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है, यूपीएससी में 2.5, ठीक है, 2 क्वेश्चन आते ही आते, 2 क्वेश्चन मार के चलो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, थैंक यू वेरी मच।